गुड इवनिंग एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, सो डियर फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओल्ड एज कंडीशंस, ओल्ड एज डिसीज. आई हैव ऑलरेडी सेंड द पीडीएफ इन द ग्रुप. व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, दैट पीडीएफ आई ऑलरेडी सेंड इन द ग्रुप, सो यू कैन गो थ्रू विद द पीडीएफ. वी हैव गिवन ऑल द प्रोटोकॉल्स देयर. And also, I will upload this PDF in the course website, so you can also see there. So now we are going to discuss two things. Number one, when the person is becoming old, then getting the weakness in the arm and legs, कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके हाथ और पैर पतले हो जाते हैं. एक तो ये कंडीशन हम डिस्कस करेंगे. दूसरा, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका वजन घटने लगता है और दुबला पतला हो जाता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है कई लोगों में, एकदम शरीर दुबला पतला हो जाता है, नींद उड़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है. सो इन द मेनी ओल्ड पर्सन दे आर सफरिंग विद द इंसोम्निया एंड दे आर सफरिंग विद द वेट रिडक्शन, वेट लॉस. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द condition beak, arm and legs, and hard to move arm and legs. Yeah, you're right. Even the height is also decreasing. You're right. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम पहले बात करते हैं कि आर्म और लेग्स की. इस बार तो हमने पीडीएफ ग्रुप में डाला है, अगली बार से कोर्स वेबसाइट में ही मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इन द ओल्ड एज पर्सन इज सफरिंग विद द वीक आर्म एंड लेग्स एंड हार्ड टू मूव आर्म एंड लेग्स. कि बुढ़ापा जब आता है तो लोगों के हाथ पतले हो जाते हैं, पैर पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं. पतले भले ना हो लेकिन कमजोर हो जाते हैं. यहाँ पतलेपन की बात नहीं है, यहाँ बात है कि हाथ और पैर में कमजोरी आ जाती है. तो हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में लोगों का घूमना फिरना थोड़ा सा कम होने लगता है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनके ज्वाइंट्स भी कमजोर हो जाते हैं. शरीर के कभी कभी किसी किसी स्थान में थोड़ा बहुत दर्द चालू हो जाता है और पैरों में भी जरा सा चलते हैं तो दर्द और क्रेम्प्स चालू हो जाते हैं. सो इन द ओल्ड एज पर्सन इज सफरिंग विद द problem of the bones, problem in the joints, and they might get the pain somewhere in the body. Even they are suffering with the cramps and the muscular pain in the legs. So how to do the treatment in the old age? So let's look at here. So we are starting the treatment in the old age. First, we are stimulating the point kidney 3 and kidney 6. These are the two points. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किडनी 3 और किडनी 6 से. ये दोनों हमारे किडनी के बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं और हम जानते हैं कि एज पर द फाइव एलिमेंट्स वाटर इज कनेक्टेड विद द बोन्स. पांच एलिमेंट के थ्योरी के अनुसार हम जानते हैं कि वाटर एलिमेंट्स में हमारे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आते हैं एंड द वाटर एलिमेंट इज कनेक्टेड विद द बोन्स. सो व्हेन वी आर स्टिमुलेटिंग द किडनी 3 एंड द किडनी 6, इट इज कनेक्टेड विद द बोन्स. ये हमारी हड्डियों से संबंधित है. तो वी आर डूइंग द टॉनिफिकेशन ऑफ द किडनी 3 एंड द टॉनिफिकेशन ऑफ द किडनी 6 इन द ओल्ड एज. सो बुढ़ापे में हम सबसे पहले किडनी 3 और किडनी 6 का टॉनिफिकेशन करते हैं. और जैसे हम किडनी 3 और किडनी 6 का टॉनिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले हड्डियों की ताकत बढ़ जाती है. तो अब इसका अर्थ है कि हम किसी भी व्यक्ति में जो वृद्ध हो गया है उसके हाथ पैर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे सबसे पहले दो पॉइंट्स होंगे किडनी 3 और किडनी 6. ओके, सो लेट्स सी द लोकेशन ऑफ दीज टू पॉइंट्स एंड विल प्रोसीड अहेड.
सो लुक एट हियर, मैं दोनों पॉइंट्स की एक बार आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये हमारे पॉइंट्स से घूम घूम के वही आते रहते हैं, लेकिन हमें ये कॉमन पॉइंट्स के ऊपर मास्टरी करनी होगी, क्योंकि जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हमें इन्हीं पॉइंट्स का प्रयोग करना होता है। सो लुक एट हियर नाउ। सो व्हेन द ओल्ड पर्सन कमिंग टू यू विद अ कंप्लेंट ऑफ पेन ऑफ द बोन्स, वीक लेग्स, वीक आर्म, अनेबल टू मूव arm and unable to move legs. So this is the kidney 3 point. We will insert one point on the kidney 3. This is the kidney 3 point. And this is the kidney 6 point below the medial malleolus. If we go one tune down, so this is the location of kidney 6. So we will put one point on the kidney 6. तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे, हम ये किडनी 3 और किडनी 6 इस पैर में भी लगाएंगे और किडनी 3 एंड किडनी 6 दूसरे पैर में भी लगाएंगे। वी विल यूज दिस बोथ द पॉइंट्स इन बोथ द लेग्स, हम दोनों पॉइंट्स दोनों लेग्स में लगाएंगे। तो यहां से शुरुआत हो जाएगी हमारी हड्डियों के ट्रीटमेंट की। देखिए, अगर हम काले रंग की बात करते हैं तो सारे पॉइंट्स पर हम काला रंग नहीं लगा सकते। चलो किडनी 6 पर लगा दिया, लेकिन किडनी 3 पर काला रंग लगाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज किडनी 3 इज द ह्यूमिडिटी पॉइंट्स। ओके, सो वी कैन पुट द, वी कैन नॉट पुट द ब्लैक कलर ऑन ऑल द पॉइंट्स, बिकॉज एवरी पॉइंट हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इफ सो बेटर टू पुट द सीड्स, अगर आपको ऐसा ही है तो आप दाने लगा दो, सीड्स लगा दो। तो चलिए, हमने हड्डियों पर काम कर दिया, हमारा हड्डियों पर काम हो गया, लेकिन क्या हमारे आर्म और लेग्स हड्डियों से ही चलते? नहीं। लेट्स सी नाउ, I would like to tell you. Suppose this is my knee, ये मेरा घुटना है. Look at my knee. This is my knee. So these are the bones, these are the bones, this is the bone, upper is the bone, but this is the joints. तो क्या joints सिर्फ हड्डियों से बना है? बताइए, joints में हड्डियों के अलावा और क्या है? और क्या है joints में हड्डियों के अलावा? Tell me. What else we have in the joints? In the joint we have lots of tendons, lots of ligament, cartilage, muscles, fluid, lots of things. Then we have made this joint. So in the old days everything becoming poor, weaker. बुढ़ापे में सब कुछ कमजोर होना चालू हो जाता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, cartilage भी कमजोर होता है, सब कुछ कमजोर होने लगता है। तो केवल हड्डियों की ताकत बढ़ाकर आप किसी को चला नहीं सकते। यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन द मोमेंट जस्ट व्हाइल ट्रीटिंग द बोन्स। बोन ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, बट द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन इज ऑल्सो नेसेसरी। तो अब हम जॉइंट का इलाज करेंगे। नाउ वी विल डू द ट्रीटमेंट ऑफ द जॉइंट्स। नाउ अब बताइए तो कि हमारे शरीर के किसी एक ऐसे पॉइंट का नाम बताइए जो सारे टेंडन्स को और लिगामेंट्स को ताकत देता है। हमारे शरीर का एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है जो सारे टेंडन्स को, सारे मसल्स को, सारे लिगामेंट्स को, सारी नर्व्स को ताकत देता है। उस इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का नाम है गॉल ब्लैडर 34। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट गॉल ब्लैडर 34। सो दिस इज द नी, ये हमारा दिस इज द नी क्रीज, ये हमारे घुटने की क्रीज है। Now from the knee crease if we go 3 chun down, अगर घुटने की क्रीज से हम 3 चुन नीचे जाते हैं, so from the knee crease if we are going 3 chun down, अगर घुटने की क्रीज से हम 3 चुन नीचे जाते हैं, then we are reaching on the gallbladder 34. So how to search the gallbladder 34? हमारे ये हड्डी, इसका नाम है fibula bone. So the gallbladder 34 is just on the upper border of the fibula bone. So suppose this is the fibula bone, अगर मानो कि ये हमारी फिबुला बोन है, दिस इज द फिबुला बोन। सो द गॉलब्लैडर 34 इज हियर जस्ट ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ द फिबुला बोन, एंड हियर इज द बोन दैट इज द टिबिया। सो टिबिया, फिबुला एंड गॉलब्लैडर 34। सो दिस इज द टिबिया, दिस इज द फिबुला एंड द यूनियन पॉइंट इज द गॉलब्लैडर 34। गॉलब्लैडर 34 सारी मसल्स का, टेंडन्स का, लिगामेंट्स का, नर्व्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है और हमारे घुटने की क्रीज से 3 चुन नीचे है। सो नाउ वी विल ऐड दिस पॉइंट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट
we will improve the strengthening of all the muscle, all the ligaments, all the tendons and all. So let's see now. So this is the location of gallbladder 34. Now stomach 36 is here. Remember, stomach 36 will be here. And this is the gallbladder 34. अब gallbladder 34 लगाकर हमने उस व्यक्ति के सारे joints को भी ताकत दे दी, सारे ligament को भी ताकत दे दी. Now we will use one more point of the gallbladder meridian. अब एक बिंदु का हम और प्रयोग करेंगे, जिसे हम कहते हैं gallbladder 41. The gallbladder 41 is very wonderful point. Gallbladder 41 हमारे पैरों में पाए जाने वाला एक ऐसा बिंदु है जो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. आई विल टेल यू द लोकेशन. लेकिन जब आप गॉलबटर 41 के जब आप इंडिकेशन सुनोगे तो आप खुद जान जाओगे कि गॉलबटर 41 इज द वेरी वंडरफुल पॉइंट. सो लेट्स सी नाउ. सो नाउ आई विल शो यू द इमेज ऑफ गॉलबटर 41. ओके, तो पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि इसका उपयोग कहां. सो लेट्स सी नाउ. सो लुक एट माय फीट. सो दिस इज द गैप. दिस साइड वी हैव बोन एंड दिस इज द गैप. This gap is the gap for gallbladder meridian. So gallbladder meridian coming like this and passing from this gap and ending here. This is the last point of the gallbladder meridian, that is gallbladder 44. So hamara gallbladder meridian is gap mein se hokar jata hai. Ab dekhiye, I will turn my feet. Ab main thoda sa apna pair twist karunga. Look at it. If I do like this. See, if I do like this, you can see this tendon. अगर मैं ऐसे करूंगा, आपको यहां पर एक हल्का सा टेंडन दिखेगा. क्या आप इस टेंडन को देख पा रहे हैं? Whether you are able to see this tendon or not. अब इस टेंडन को टच करके, now the one side of the tendon, the outer side of the tendon, this is the gallbladder 41. And inner side of the tendon, that is the gallbladder 42. So remember, do not cross the tendon. So I will show you like that. Look at here. In this way, it's more will be more clear. So look at this tendon. So go outside of the tendon here. That will be gallbladder 41. If by mistake you are coming inside of the tendon, that is not the gallbladder 41. Remember, so the gallbladder 41 will be outside of the tendon. ये tendon के बाहर होगा. तो आपको क्या करना है कि इस खड्डे में उंगली को घुमाना है, चलते चले जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है. जहां पर ये खड्डा खत्म हो जाए वही gallbladder 41 है. So you are going in this gap, keep on going, and as soon as you are reaching on the peak, the gap is ending. That is the location of gallbladder 41. Then feel the tendon, because this is the tendon. On the one side, on the outer side, we have gallbladder 41. यहाँ पर gallbladder 41 है. तो जब भी हम needle लगाते हैं, इस tendon के नीचे से लगाते हैं, we put the needle just below the tendon, like this. Look at here. So this is the technique. हम ऐसे needle लगाएंगे. अब आपको अगर needle ना लगाना हो, आप यहां पर मैग्नेट लगा देना. लेकिन ध्यान रखना, ये एक बहुत ही गजब का पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं गॉलबटर 41. ये बहुत ही गजब का पॉइंट है. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. कहते हैं कि जब हम गॉलबटर 41 को लगाते हैं तो हमारा पूरा बेल्ट ठीक हो जाता है, पूरा बेल्ट ठीक हो जाता है, यानी हमारी कमर का अलाइनमेंट सुधर जाता है. सो दिस इज द पॉइंट हु इज मेकिंग योर
alignment of the belt, breast, कमर in the perfect position. आप जब इस बिंदु को लगाते हैं तो आपकी कमर का alignment ठीक हो जाता है, यानी आपका body अगर टेढ़ा मेढ़ा है, कोई पैर लंबा छोटा है, आपका कंधा ऊपर नीचे है और आपका सोलर सही लाइन में नहीं है, इफ योर बॉडी इज नॉट द अलाइंड, मे बी लेग इज बिगर, शोल्डर इज अपर, सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन बैलेंस योर बेल्ट मेरिडियन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन बैलेंस योर बेल्ट मेरिडियन एंड इवन द गॉलब्लैडर मेरिडियन. So, गॉलब्लैडर 41 को कहते हैं कि मास्टर पॉइंट ऑफ बेल्ट मेरिडियन, ये हमारे बेल्ट मेरिडियन का मास्टर पॉइंट कहा गया है. एंड द गॉलब्लैडर मेरिडियन को कहते हैं कि दिस इज द फ्रेंड ऑफ अनमैरिड फीमेल, जो भी महिलाओं की, जो भी महिलाएं अभी अनमैरिड हैं उनका फ्रेंड माना जाता है इसको, यानी महिलाओं को होने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही गजब का पॉइंट है. दिस इज द वंडरफुल पॉइंट फॉर अनमैरिड फीमेल. So the unmarried female are getting the problem like painful menstruation and any types of the migraine headache, any types of the problem before the, before and after during the menstruation, this is the friend of female in all problem. Females ki sari problem ke liye bahut hi gajab ka bindu hai. Jab hamare sampurna sharir mein dard hota hai to ek single point lagane matra se theek ho jata hai. So this is the wonderful points for pain happening anywhere in the body. तो जब हम दो पॉइंट लगाते हैं, हमने आपको बताया कि एक पॉइंट हमने लगाया था गॉलब्लैडर 34 और दूसरा हमने लगाया गॉलब्लैडर 41. इन दोनों पॉइंट्स के माध्यम से हम सारे जॉइंट्स की ताकत बढ़ा सकते हैं, अपने कमर के अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं. सो दीज आर द टू पॉइंट्स ऑन द गॉलब्लैडर मेरिडियन. तो हमने दो पॉइंट्स लिए किडनी में और दो पॉइंट्स हमने लिए गॉलब्लैडर में. अब हम बात करते हैं, तो हमने केवल पैरों की हड्डियों को ताकत दी है, ऐसा नहीं है, हमने संपूर्ण शरीर की हड्डियों को ताकत दी है, हमने केवल घुटने को ताकत दी, ऐसा नहीं है, हमने सारे जॉइंट्स को ताकत दी है. बिकॉज गॉलब्लैडर 34 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ईच ऑल लिगामेंट्स ऑल टेंडन एनीवेयर इन द बॉडी. अब हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि लोगों को काफ मसल की ताकत कमजोर हो जाती है. मेनी ओल्ड पर्सन आर लूजिंग द strength of the calf muscle. They are having pain and they are losing the strength of the calf muscle. So this calf muscle become very weaker in the old person. This leg become very weaker in the old person. Old logon mein ye kafi kamzor ho jata hai. Then what we can do? So yahan se yahan tak, yahan se leke yahan tak, this is the total lower leg area. Just take the midpoint, just take the middle point here and put one point here. This point is called the emergency point, who remove any types of weakness from here, any types of the pain from here. To aap is pure pair ko naap lo, ekdam central mein point laga do, is bindu ko pure pair ka emergency point kehte hain. Jaise kisi ko cramps aa rahe ho, aap sirf daba do aise to cramps theek ho jayenge. So if someone is having pain and cramps, you just can place here and you will see the person will get immediate relief. So this is the center. Marma Shastra mein ise kehte hain emergency marma. Emergency marma. Aur marma shastra mein jo bindu emergency mein use kiye jate hain, unhe adangal kehte hain. Adangal ka matlab hai aise bindu jinka prayog hum emergencies mein karte hain. Isi karan se is bindu ka naam hai manai adangal. Manai adangal. So look at the feet. So this is the point. So this is the point. It is called Manai Adangal. और इसी को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर 57, जो काफ मसल से, जो हमारे घुटने से 8 चुन नीचे होता है या एंकल से 8 चुन ऊपर होता है. This is called यूरिनरी ब्लैडर 57, the special point of calf muscle or the lower leg. यूरिनरी ब्लैडर 57. हमने कई बार मर्मा शास्त्र का ध्यान रखते हुए इस पॉइंट को सिर्फ दबाया है और सिर्फ दबाने मात्र से हमने देखा है कि लोगों के पैरों के क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं.
Now we are coming to the LI4 point. LI4 is the painkiller point or the analgesic point of whole body. तो अगला बिंदु हमारा LI4 होगा. LI4 को हम जानते हैं. We already knowing LI4. तो अगर मैं ऐसे करूं, look at here. You can see this muscle. If I do like this, this is the muscle. ये muscle है. उबर के ऊपर आ गई. इस मसल को कहते हैं इंटरोशियस मसल. इंटरोशियस मसल. सो द टिप ऑफ द इंटरोशियस मसल, द पीक पॉइंट ऑफ द इंटरोशियस मसल, दैट इज LI4. दिस इज LI4. इसे हम कहते हैं LI4. यहां पर एक पॉइंट आएगा. LI4 हमारे संपूर्ण शरीर के दर्द को कम करता है. नाउ द फाइनल पॉइंट विल बी Lung 5. अब हमारा जो आखिरी बिंदु होगा वो Lung 5 होगा. तो Lung 5 क्यों लगाना है? क्योंकि Lung 5 लगाने से क्या फायदा होता है? Lung 5 इज द पॉइंट. हमने कल आपको बताया था कि जब हम Lung 5 को लगाते हैं तो लंग अपनी, Lung 5 इसका सन पॉइंट है. जैसे माँ, जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो दूध बच्चे के पेट में चला जाता है. सो द सन इज ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ द मदर. सो द मिल्क इज रीचिंग टू द स्टमक of the fetus, sorry, stomach of the child. In the same way, when we are putting the Lung 5, so lung is sending energy to the kidney. Lung is sending energy to the bones. Kidney means bones. So Lung 5 is the very good point. If we put the Lung 5, so Lung 5 को कैसे नापोगे? ये बीच में tendon है. We can see the heart tendon in between. One to lateral, that is the location of Lung 5. This is the Lung 5. तो Lung 5 को लगाया तो लंग ने अपनी ऊर्जा को नीचे किडनी को भेजना चालू कर दिया. तो Lung 5 LI4. फिर हमने एक आपको इमरजेंसी मर्म पॉइंट बताया, मनाई अडंगल. और फिर हमने आपको दो पॉइंट किडनी के बताए, दो पॉइंट गॉल ब्लैडर के बताए. अब ये भी बात है, आप अगर निडल नहीं लगाना चाहते हो कोई बात नहीं है, आप इन बिंदुओं पर एक्यूप्रेशर करिए, मसाज करिए, इन बिंदुओं पर ब्यूअल मैग्नेट लगाइए तो भी काम बन जाता है. इवन यू कैन पुट ब्यूअल मैग्नेट्स इन द सुजोग. आप सुजोग में ब्यूअल मैग्नेट लगाएंगे तो भी काम बन जाएगा. तो चलिए बताइए फटाफट, दो पॉइंट किडनी के कौन से होंगे? टेल मी, वो दो बिंदु कौन से हैं? लिखिए चैट बॉक्स में, जिससे हड्डियों की ताकत बढ़ती है. सभी लोग लिखिए, क्योंकि जब पेशेंट आएगा ना तो सब दिमाग से उड़ जाएगा. पेशेंट सामने आएगा, ये भी भूल जाएंगे कि कहां लिखा था कॉपी में. तो थोड़ा सा ओके. सो 2 पॉइंट फॉर द बोन्स, दैट इज किडनी 3 एंड द किडनी 6. ओके, टेल मी 2 पॉइंट्स ऑफ द जॉइंट्स एंड द लोअर बैक बेल्ट मेरिडियन. 2 पॉइंट ऑफ द जॉइंट्स एंड द बेल्ट मेरिडियन, that is gallbladder 34 and gallbladder 41. You are right. Perfect. Now, 2 point. Now tell me the emergency point if some person is suffering with a sudden cramps in the leg. Emergency point. पैरों में पाए जाने वाला वो emergency point की किसी वृद्ध व्यक्ति को, और ऐसा नहीं वृद्ध व्यक्ति को, किसी को भी पैर में क्रेम्स आ जाए, आप दबाओगे बोलेगा क्या, कहां गए क्रेम्स? इमीडिएटली क्रेम्स विल डिसअपीयर, इमीडिएटली. सो दैट इज यूरिनरी बॉडी 57. नाउ टेल मी द पॉइंट्स, द एनाल्जेसिक पॉइंट और द पेन किलर पॉइंट. हमारे शरीर का वो कौन सा पेन किलर पॉइंट है जो कहीं के भी दर्द को ठीक करता है? LI4. अब वो एक ऐसा बिंदु बताइए कि किडनी को ऊर्जा चाहिए तो किडनी अपनी मां से ऊर्जा लेगी, यानी लंग से. सो विच पॉइंट ऑफ द लंग्स गिविंग एनर्जी टू द बोन्स, दैट इज Lung 5. वंडरफुल. सो राइट ऑन फुल प्रोटोकॉल. फुल प्रोटोकॉल ऑफ द ओल्ड एज, इंप्रूविंग द पावर ऑफ द आर्म, पावर ऑफ द लेग्स. इफ द ओल्ड पर्सन सफरिंग विद द वीकनेस ऑफ द आर्म, वीकनेस ऑफ द लेग्स, सो टेल मी द फुल प्रोटोकॉल. डू द टॉनिफिकेशन ऑफ ऑल द पॉइंट, सारे पॉइंट को टॉनिफाई कर दीजिए. राइट डाउन फुल प्रोटोकॉल. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड.
जो लोग लिखेंगे उनको मैं कुछ अच्छा गिफ्ट दूंगा, जो लोग लिखेंगे, क्योंकि चैट बॉक्स में सभी लोग नहीं लिख रहे हैं, है ना। वेरी गुड बिंदु जी, बिंदु जी ने सबसे, बिंदु जी, रति जी, वेरी गुड, सुजाता जी, वेरी गुड, मोनिका जी, वंडरफुल, सेल्वा जी, वंडरफुल, आनंदी, आनंदी जी, विवेक जी, या वेरी गुड, अंजलि जी, अफाक जी, वेरी गुड। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब कोई जवान व्यक्ति अगर बूढ़ों जैसा कह रहा हो कि मन ताकत नहीं है, उनको भी लगा दो आप, है ना, ऐसा, बिकॉज मेनी टाइम्स इवन द यंग पर्सन बिहेविंग लाइक द ओल्ड, देन यू कैन पुट दीज पॉइंट्स। दैट्स वाई रिमेंबर द कंसेप्ट, रिमेंबर द कंसेप्ट एंड डू द ट्रीटमेंट। सो यू आर हैविंग 12 सेकेंड्स मोर। हमने बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर 57 एक ऐसा बिंदु होता है जिसे हम मनाई अडंगल कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर 57 इज ऑल्सो कॉल्ड मनाई अडंगल इन द मर्मशास्त्र। इन द मर्मशास्त्र इट हैज बीन टोल्ड इफ द पर्सन इज सफरिंग विद द इमर्ज एनी क्रेम्स इन द लेग्स, पेन ऑफ द लेग्स, इफ यू प्रेस द यूरिनरी ब्लैडर 57 और द मनाई अडंगल, द क्रेम्स विल गो अवे विदिन ए सेकेंड, विदिन ए सेकेंड। You can see this point here. I will show you the image. Look at here. This is the location of urinary bladder 57. गजब का पॉइंट है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि मास्टर टंग कहते हैं, एज पर द मास्टर टंग, इफ यू वांट टू ट्रीट द लेग्स, सो डू द ट्रीटमेंट इन द आर्म्स, डू द ट्रीटमेंट इन द आर्म्स, इफ यू वांट टू ट्रीट द लेग्स, डू द ट्रीटमेंट इन द आर्म्स। अगर आप पैर में, पैरों को ठीक करना चाहते हो, हाथों में ट्रीटमेंट दो, हाथों को ठीक करना चाहते हो, पैरों में ट्रीटमेंट दो, ऐसा कहते हैं। डॉक्टर टेन बैलेंस मेथड भी यही बोलता है। सो लुक एट हियर, एक्यूपंक्चर में बड़ी फेमस पॉइंट है मास्टर टंग। इन द मास्टर टंग देयर आर वेरी फेमस पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स इन द गैप्स। सो दीज आर द पॉइंट्स, वेरी फेमस पॉइंट इन बिटवीन द बोन्स इन द गैप्स, दीज आर द वेरी गुड फॉर साइटिका पेन, लोअर बैक पेन एंड पेन ऑफ द लेग्स। अगर आप ये बीच के पॉइंट को दबा देते हो तो बड़ा गजब का काम करते हैं। तो हमने क्या किया, एक बार हमने ये फॉर्मूला कई लोगों पे अपना के देखा। एक बार की बात है कि मेरी मम्मी जी ने बोला कि पैर में क्रेम्स आ, मेरी मम्मी जी ने, माय मदर टोल्ड मी सी इज हैविंग, सी इज गेटिंग क्रेम्स इन द लेग्स। ओके, देन आई टोल्ड, ओके ओके मम, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस, she did like that, okay, she did like it. Then I praised, cramps gone immediately, within second. So she asked me, what is this happened? You, because just praising this, cross this and praise, it is very painful. Karke dekhiye, aap apne kisi, koi agal bagal mein baitha ho, usse karke dekhiye, wo khud nahi kar payenge, kyunki ऐसे इंटरलॉक किया ना तो कोई दबाने वाला तो चाहिए ना, समवन शुड दे बी देयर टू प्रेस इट। सो दिस इज द वेरी गुड फॉर क्रेम्स एंड द लोअर बैक पेन। सो डू लाइक दिस एंड टेल समवन टू प्रेस इट। हाँ बता रहा हूं मैं आपको, देखिए, लुक, डू लाइक दिस। अभी मेरे पास कोई है नहीं दबाने के लिए, तो चलिए मैं आपको एक दूसरे टेक्निक से दबा के बता रहा हूं। लुक एट, so look at here, right? Look at here. Now I am pressing because I am pressing. See, press it. If someone is there, then he can press it. He can press it. So someone is there, so he can press it like that. Got it? So ऐसे press करने से तुरंत cramps उधर चले जाते हैं।
और UV57 तो है, वो भी दबा दो. सो इन दिस वे दिस इज द वंडरफुल प्रोटोकॉल. इफ यू वांट टू रीड द वीक आर्म एंड वीक लेग्स, एक्सीलेंट प्रोटोकॉल. रिमेंबर द गॉलवेडर 41 इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट. गॉलवेडर 41 की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है. कहते हैं कि ये फीमेल का तो फ्रेंड सही. दिस इज द मास्टर पॉइंट ऑफ द बेल्ट मेरिडियन. द गॉलवेडर 41 इज द मास्टर पॉइंट ऑफ द बेल्ट मेरिडियन. And there are many, many indications of the gallbladder 41. I will tell you one thing about the gallbladder 41. कि gallbladder 41 गलत लगाने से, गलत लगाया, अगर gallbladder 41 पर आपने गलत निडल लगाई या मैग्नेट भी गलत लगाई तो फायदा नहीं होता बल्कि दर्द बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है. एक बार एक पेशेंट को मैंने गलत मैग्नेट लगा दी. वंस आई पुट द मैग्नेट लिटिल लाइक बी नो आई हैव शोन यू द गॉलब्लैडर 41 बट आई पुट द निडल ऑन द गॉलब्लैडर 42 देन द माइग्रेन हेडेक इंक्रीज्ड बिकॉज गॉलब्लैडर 41 इज द वंडरफुल पॉइंट फॉर द माइग्रेन. देन आई रिमूव द मैग्नेट एंड पुट अगेन ऑन द राइट लोकेशन. तो फिर मैंने मैग्नेट को निकाला और फिर से सही लोकेशन पर लगाया, ठीक हो गया. और सबसे बड़ी बात, एक बार ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग द गॉलब्लैडर 41 बिकॉज गॉलब्लैडर 41 इज द वंडरफुल पॉइंट. वी कैन नॉट इग्नोर दिस बिकॉज दिस इज द गिविंग वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट्स. सो आई एम शोइंग यू दिस पॉइंट इन द अदर इमेज. लेट्स सी नाउ. एक पेशेंट को जब भी किसी पेशेंट के शरीर में बिंड बढ़ जाती है, व्हेन द पर्सन इज हैविंग सम प्रॉब्लम ऑफ द बिंड, सो यू कैन सी हियर इन दिस इमेज देयर आर टू पॉइंट, दे आर वेरी नियर. सो दिस इज द गॉलब्लैडर 41 एंड दिस इज द पॉइंट गॉलब्लैडर 42. So gallbladder 41 is the special point for migraine headache. The gallbladder 41 is the special point of water metabolism. हमारे शरीर में जब भी कभी कोई पानी की गड़बड़ी होती है, पानी को घुमाने का काम ये भी करता है, पानी को घुमाने का ये भी काम करता है. So, the gallbladder 41, look at the chart of the gallbladder. Gallbladder is the bud. So, we know gallbladder 44, gallbladder 43, gallbladder 41, gallbladder 38, and the gallbladder 34. Metal, water, wood, fire and earth. So gallbladder 41 is the wood point. Ye gallbladder ka wood point hai. And the gallbladder is the wood. Gallbladder 41 is the wood. So this is the horary point. Horary point. So it become a very effective point. Second, ki ye wood ka point hai, to jab kisi ko sir mein dard hota hai aur बिंड बढ़ जाती है तो आप गॉलब्लैडर 41 से बिंड निकाल सकते हो. नाउ रिमेंबर इफ यू आर ट्रीटिंग द फीमेल प्रेफर गॉलब्लैडर 41 इन द राइट साइड. इफ यू आर ट्रीटिंग द मेल प्रेफर गॉलब्लैडर 41 इन द लेफ्ट साइड और यू कैन आल्सो डू बायलैटरल, नो प्रॉब्लम. अगर आप श्योर नहीं है कि आखिर टॉन करना है कि सेडेट करना है तो ध्यान रखिएगा इवन मेथड कर दीजिएगा, क्योंकि गॉलब्लैडर पर अगर आपने गलत टॉन और सेडेट करी किया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बढ़ सकती है. क्योंकि गजब का पॉइंट है, इसीलिए गलत किया तो गलत परिणाम भी मिल सकता है. इट माइट क्रिएट सम बैड इफेक्ट इफ यू आर putting the point wrongly, because I have personally felt
इतना एक मिलीमीटर गलत था, उसका माइग्रेन बढ़ गया और एक मिलीमीटर सेट कर दिया तो ठीक हो गया। इसलिए जब मैं किसी को पॉइंट लगाता हूं तो सबसे पहले मैं गॉलब्लैडर 41 लगाता हूं। सो फर्स्ट आई पुट द गॉलब्लैडर 41, आई स्टे फॉर 30 सेकंड एंड आस्क आर यू कंफर्टेबल, ही इज टेलिंग यस आई एम कंफर्टेबल, देन आई एम पुटिंग रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, बिकॉज इफ आई पुट ऑल द पॉइंट्स एंड पर्सन इज टेलिंग आई एम नॉट कंफर्टेबल, then how I will know that gallbladder 41 is creating the problem or some other problem creating the problem. तो पहले gallbladder 41 को लगाइए। आप में से कई लोग मैग्नेट लगाते हैं और वो तो बिंदास होकर सारे पॉइंट लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सुजोग में लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, there is a no problem, just you can put the point without any problem, but when you are putting in the body that time you have to take care of this, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना होगा। got it? तो हमने बात की गॉलब्लैडर 41 की, हमने 41 बताया आपको और 42 बताया कि लिगामेंट के पहले 41 है, लिगामेंट के 42 है, दोनों तो बताए हमने आपको, दोनों बताए ना। यस सुमन जी, यस प्लीज। हाँ जी सर, आपने जो अभी इमेज दिखाई थी 41 और 42 की, हाँ, उसमें तो पॉइंट दोनों आमने अगल बगल में थे, और जो आपने लिगामेंट जो आपने अपने बॉडी पर दिखाया था, आपने कहा कि 41 लिगामेंट के स्मॉल फिंगर की साइड में और 42 लिगामेंट से दूसरी साइड में है, तो क्या होता है? इसीलिए तो मैंने आपको बताया, क्योंकि जब हम इमेज देखते हैं ना उसमें हमें इतनी क्लैरिटी नहीं आती, इसीलिए मैंने आपको पहले रियल लोकेशन दिखाई फिर मैंने आपको इमेज दिखाई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं आपको पहले ही इमेज दिखा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको सर एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, थैंक यू सर। ओके, सो लेट्स सी दिस इमेज। फर्स्ट यू लुक एट दिस इमेज, बोथ द पॉइंट लुकिंग लाइक वेरी नियर, आपको दोनों पॉइंट्स एक जैसे दिख रहे हैं, एक ही तरफ दिख रहे हैं। तो यहां से लिगामेंट गया, दिस इज द लोकेशन ऑफ लिगामेंट, ऐसे लिगामेंट गया, दिस इज द लोकेशन ऑफ लिगामेंट। सो गॉलब्लैडर 41 इज जस्ट हियर, इट इज लुकिंग लाइक ओवर द लिगामेंट, लेकिन हम लिगामेंट को निडल नहीं लगा सकते, तो हम लिगामेंट के इधर निडल लगाते हैं, because gallbladder 41 is just overlapping with the ligament and 42 on the other side of the ligament. Now look at the other image. ab main aapko dusri image dikhata hu, look at this, ye dekhiye, ye sorry ligament tendon, to ye hamara tendon hai, agar aap dekhenge ye gallbladder 41 idhar lag raha hai, so we are inserting the point this side here, but the gallbladder 42 is exactly on the opposite side. लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नजदीक नजदीक है ऐसे, राइट? दिस इज द डिफरेंस। नाउ लुक एट वंस अगेन इन दिस इमेज, अब इस इमेज में वापस देखिए गॉलब्लैडर 41 42, तो मैंने जो पैर में आपको लिगामेंट दिखाया था, नाउ इवन यू कैन सी द गॉलब्लैडर 43, अब आप 43 को भी देख लीजिए। सो द गॉलब्लैडर 43, गॉलब्लैडर मेरिडियन इज कमिंग लाइक दिस एंडिंग हियर, so gallbladder 43 is here on the junction of toes, hamare dono toes ke junction par gallbladder 43 aata hai, so this is near about half chun away from the junction, half chun away, that is gallbladder 43, and the gallbladder 44 is just on the corner of nails, to is tarah se hamare char bindu hain, got it? suman ji samajh mein aaya? suman ji it's clear? कि देखिए अगर मान लो कोई पॉइंट एकदम बोन पे है, आप समझिए कि इफ सम पॉइंट इज जस्ट ऑन द बोन्स, सो वी कैन नॉट पेनिट्रेट द बोन्स, नीडल विल नॉट गो इन द बोन्स, इवन यू कैन नॉट पेनिट्रेट दिस टेंडन, अदरवाइज पेशेंट विल कैन नॉट वियर दिस पेन, पेशेंट इस दर्द को सहन नहीं कर सकता, आप उसके टेंडन को यहां नहीं लगा सकते, हालांकि हम कई टेंडन को भी नीडल लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम टेंडन को नीडल नहीं लगा सकते, it might create very vigorous pain, just I have demonstrated you a technique that is absolutely pain free, there is no pain, just put the needle, ab main aapko bataunga chinese acupuncture mein isko exactly needle kaise lagate hain, wo bhi chaliye main aapko bata deta hu, let's see now,
because your question is really good. So I would like to explore the gallbladder 41 once again. So let's see. कि जब भी हम gallbladder 41 को लगाते हैं तो exactly हम और क्या ध्यान रखते हैं. So look at my feet. So look at my feet. So if I do this, this is the tendon you can see. And I am telling you, put the gallbladder 41 here and put the gallbladder 42 on the other side of the tendon. So see the difference between here to here. If you do like this, difference this and this very near, 41, 42. But the one point we are putting on this side and another point we are putting this side. Now look at this point once again. Ab aap is point ko fir se dekhiye ek baar. So we are searching the gaps and the last extent of the gap we are reaching here. Now we are trying to search the tendon. This is the tendon. Now I am putting the point here, but my point will go this side. My point will not go like this. My point will go this side. Like, look at here. ये देखिए मेरा point कैसे गया आप देखिए जरा. मेरा पॉइंट इस टेंडन के नीचे जा रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल भी दर्द नहीं होता जब आप ऐसे टेक्निक से लगाते हो. जब आप इसको स्ट्रेट लगाते हो तो थोड़ा सा दर्द हो सकता है. सो दिस इज द टेंडन बट माय नीडल इज गोइंग बिलो द टेंडन. आई कैन नॉट पेनिट्रेट द टेंडन. मैं टेंडन को नीडल नहीं लगा सकता तो मुझे टेंडन के बगल से रास्ता बनाना होगा. सो इन दिस वे वी आर पुटिंग द गॉलब्लैडर 41. नाउ 42 विल बी अदर साइड. 42 will be here, other side, this side. So in this way we do the treatment. Clear or not? आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मैग्नेट का प्रयोग करते हैं. आप मैग्नेट करते रहिए लेकिन बॉडी के पॉइंट्स भी पता होना चाहिए आपको, है ना. तो एटलीस्ट वी आर प्लानिंग टू लर्न द बॉडी पॉइंट्स एज वेल एज द सुजोग पॉइंट. यू शुड लर्न एवरीथिंग देन इट्स डिपेंड ऑन यू वेदर यू वॉन्ट टू वर्क ऑन द बॉडी और इन द सुजोग, राइट. रिगार्डिंग द टॉनिफिकेशन एंड सेडेशन, इफ यू आर पुटिंग इट इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन. ये तो क्वेश्चन है डायरेक्शन का. आप उसी की दिशा में लगा दो थोड़ा तो टॉनिफिकेशन होगा और अपोजिट लगा दो सेडेशन होगा. और इसी लोकेशन में आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं. इवन यू कैन पुट द मैग्नेट. मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको था ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. वन पेशेंट वाज सफरिंग विद द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हियर हियर दिस साइड. सो बी नो एज पर द सिक्स की बी नो विंड हीट हॉटनेस ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस. सो द पर्सन वाज हैविंग पेन हियर. सो व्हाट आई थॉट विंड I said it at the gallbladder 41 because gallbladder 41 is the bind point. Immediately pain gone in single sitting. Single sitting. Gallbladder 41 sedation. Because gallbladder 41 is the bind point, bind point. You can use as per your logic, as per your thought. I put just the bigger buoyal magnet in the sedation mode on the gallbladder 41. Maine gallbladder 41 ko sedate kiya. One day, one patient was telling me, I'm suffering with a migraine headache. हमने gallbladder 41 पर bioel magnet लगाई बड़ी वाली. तो उसका सिर का दर्द तुरंत कम हो गया. ये गजब का बिंदु है सिर दर्द को मिटाने के लिए. और especially migraine headache in the females. Now some female is having some menstrual disorder and because of that she is getting the migraine headache. We can use this point and work on the migraine. इस point का हम प्रयोग करके उनका migraine headache दूर कर सकते हैं. Now it's clear. It's clear. थोड़ा आपको लग रहा होगा यार कठिन पॉइंट है कैसे लगाएंगे, ऐसा मन में आ रहा होगा थोड़ा सा, है ना. किसी किसी को आता होगा. कुछ नहीं है, थोड़ा सा जब कोई आपके पास वो ज्यादा उम्र का व्यक्ति आएगा ना उसको निडल लगा दोगे, पूछोगे दर्द हुआ, वो बोलेगा नहीं. लेकिन जब कोई यंग पर्सन आएगा उसके कॉलेजन फाइबर ज्यादा डेंस होते हैं
तो शुरुआत में किसी जब आप एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा ओल्ड लोगों को ढूंढो, एक कैंप लगाओ, फ्री एक्यूपंक्चर फॉर ओल्ड पर्सन, देन देयर विल बी मोर पेशेंट विल कम एंड यू कैन डू गुड प्रैक्टिस, राइट? सो लेट्स प्रोसीड अहेड। या बोल देना कि जो पतले लोग हैं उनके लिए फ्री एक्यूपंक्चर और जो मोटे लोग हैं वो इट विल बी चार्जेबल। जिन लोगों की हड्डियां दिखेंगी उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट होगा और जिन लोगों की हड्डियां छुपी होंगी फैट में उनके लिए चार्जेबल होगा। इन दैट वे यू कैन डू पब्लिसिटी, सो यू विल लर्न वेरी नाइसली। ओके, नाउ ये मैंने जो अभी किया वो थोड़ा आपको मजाक जैसा लग रहा होगा, वो मजाक ही था। ऐसा हम नहीं कर सकते, वी कांट डू दिस। चलिए लेट्स प्रोसीड अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आ रही है, थोड़ी देर तक आएगी फिर बैटरी चली जाएगी। ओके, बुढ़ापे में होने वाली एक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं शरीर का दुबला पतला होते चले जाना। अभी आ रही है, अभी आ रही है ना, चलो ठीक है। लॉकडाउन में तो हमने पूरी क्लास बिना माइक्रोफोन के ली थी, 1.5 साल बिना माइक्रोफोन के लिए है। उसके बाद लगा कि अब थोड़ा अपग्रेडेशन करते हैं, तब माइक्रोफोन चालू किया है भाई। फाइन, सो इन द ओल्ड डेज पीपल आर बिकमिंग थिन, बॉडी इज गेटिंग श्रिंक्ड, शरीर पतला हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, बॉडी श्रिंक हो जाती है। इसे कहते हैं लिवर और किडनी की डेफिशिएंसी, द लिवर एंड किडनी यिन डेफिशिएंसी। ओके ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू शो यू वन वीडियो। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्लास के बाद वीडियो में ग्रुप में भी डाल दूंगा, उसको एक दो बार और देख लीजिएगा। इस वीडियो का प्रयोग हम करते हैं जैसे एक खेत में, जब खेत में पानी ना डालो तो क्या होता है, खेत सूख जाता है, फसल सूख जाती है, उसमें लगे हुए पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ऐसे बुढ़ापे में हमारे शरीर की धातुएं सूख जाती हैं, शरीर सूख जाता है, हड्डियां सूख जाती हैं, लिगामेंट टेंडन सूख जाते हैं। तो हड्डियों का सूखना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, उसे कहते हैं किडनी की कमजोरी, और लिगामेंट टेंडन का, जॉइंट्स का सूख जाना, उसे कहते हैं लिवर की डेफिशिएंसी। सो व्हेन द बोन बिकमिंग वीकर, there is a deficiency of the bone, that is called the osteoporosis of the bone, that is called kidney deficiency, and when there is a weakness of the joints, that is called liver deficiency. तो दोनों को मिला के कहते हैं कि किडनी के यिन की कमी हो गई है और लिवर के यिन की कमी हो गई है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द किडनी एंड लिवर यिन। सो नाउ आई विल शो यू वन वीडियो, इट्स ए वंडरफुल वीडियो। इस इन पॉइंट्स का प्रयोग आप करोगे, जैसे खेत में हम सिंचाई करते हैं, इसी तरह से इस शरीर की सिंचाई करने के लिए, इफ एनी वन ऑफ फीलिंग दैट योर बॉडी बिकॉज ऑफ द ओवर वर्क योर बॉडी इज सफरिंग विद द मल नरिशमेंट, इफ समवन इज बिकमिंग थिन डे बाय डे, यू कैन डू दिस ट्रीटमेंट। सो लेट्स सी नाउ, सो दिस द किडनी एंड लिवर यिन डेफिशिएंसी। So first we are putting the kidney 3 point. Let's see, first we are putting the kidney 3 point. Look at the location of kidney 3. तो सबसे पहले हमने दोनों पैरों में kidney 3 लगाया। Kidney 3 is the wonderful point of the kidney.
किडनी थ्री इज नरिशिंग किडनी एज वेल एज द लिवर. सेकेंड पॉइंट विल बी किडनी सिक्स जो हमारे मीडियल मेलुलस से वन चून डाउन होता है. सो दिस विल बी द लोकेशन ऑफ किडनी सिक्स. अभी अभी हमने दोनों पॉइंट सीखे हैं, किडनी थ्री एंड द किडनी सिक्स. So we are putting the kidney 3 and kidney 6. They are giving good nourishment to all the bones. Even they are giving nourishment to the liver. So this is the location of kidney 6. Now, अब हम आगे बढ़ेंगे. अब हम घुटने पर जाते हैं. घुटने पर हम liver 8 लगाएंगे क्योंकि liver 8 हमारे liver को ताकत देता है. Liver 8 liver का mother point है. So liver 8 is the mother point of the liver. So we are putting the liver 8 point here. This is the location of liver 8 on the knee. लिवर एट इज द वंडरफुल पॉइंट. लिवर एट हमारे लिवर को बहुत ताकत देता है. लिवर एट गिविंग नरिशमेंट टू द लिवर. सो वी ऑलवेज पुट द लिवर इफ देर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ द फ्लूइड, डेफिशिएंसी ऑफ द नरिशमेंट, इन सब में हम लिवर एट का प्रयोग करते हैं. अब हम नाभि के नीचे थ्री चून डाउन, दैट इज द लोकेशन ऑफ सी बी फोर. हमने बताया था कि बुढ़ापे में कहते हैं कि सी बी फोर को मोक्सा करना चाहिए. सी बी फोर इज द वंडरफुल पॉइंट टू इम्प्रूव द यिन. इट इज थ्री चून डाउन. Now we are improving the, we are putting the DU 20. Now this is the urinary bladder 10. ये हमारा गर्दन में hair line के junction पर जहां हमारा skull खत्म होता है वहां पर urinary bladder 10 है. Now we are measuring the lower border of the scapula. अब हम इस scapula का lower border measure कर रहे हैं. At this level we are doing the imagination of the horizontal line. So this is the location of urinary bladder 17 bilateral from the spine. Spine से 1.5 tune right and 1.5 tune left जाएंगे तो हमें मिलेगा urinary bladder 17. Urinary bladder 17 is the very good point who nourishes the blood. ये हमारे शरीर में blood बढ़ाता है. अब इससे एक चुन नीचे जाएंगे तो मिलेगा urinary bladder 18. 18 is the very good point for the liver. Now अब हम रिब्स के लेबल पर आ जाते हैं. तो लोअर लिप्स के लेबल पर आ जाते हैं. वहां पर हमारा जो बिंदु है लोअर लिप्स के लेबल्स पर, वहां पर हमारा जो बिंदु है उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर 23 बाइलेटरल. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर 23 बाइलेटरल. यूरिनरी ब्लैडर 23 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द किडनी. ये हमारी किडनी का बिंदु है. और इससे करीब तीन चुन ऊपर जाते हैं तो मिलता है हमें यूरिनरी ब्लैडर 20 जो हमारे स्प्लीन का बैक सू पॉइंट है. तो हमने मुख्य रूप से बैक में लिवर, किडनी और स्प्लीन तीनों को स्टिमुलेट किया. दीज आर द थ्री ऑर्गन ऑफ द लेग्स एंड दे आर गिविंग वेरी गुड नरिशमेंट. सो दीज आर द बैक सू पॉइंट ऑफ किडनी, लिवर एंड स्प्लीन. तो ये फॉर्मूला है हमारा. आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं. ये फॉर्मूला है हमारा. इसमें यूरिनरी ब्लैडर 10 को आप छोड़ भी सकते हैं. कभी कभी हमें लगता है कि स्कल में पॉइंट लगाएंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो यूरिनरी ब्लैडर 10 को आप छोड़ भी सकते हैं. लेकिन अगर आपने बाकी पॉइंट्स को लगाया, आप इन बिंदुओं के माध्यम से बहुत अच्छा नरिशमेंट क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट ए वेरी गुड नरिशमेंट. तो आई विल पोस्ट दिस वीडियो, यू कैन सी दिस वीडियो फ्यू टाइम्स. आप इस वीडियो को कुछ बार देखिएगा. मैं आपको बताऊं, कई बार हम आपको लगेगा कि यार बैक्सू पॉइंट की थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लीजिए. बैक्सू पॉइंट, क्योंकि बैक्सू पॉइंट आपको किसी व्यक्ति पर प्रैक्टिस करना होगी. बैक्सू पॉइंट्स आर द वेरी इफेक्टिव पॉइंट्स एंड दे आर रियली वर्किंग वेरी नाइसली. तो हमने UV17 लगाया. UV17 हमारे स्केपुला के लोअर लेवल पर होता है और UV17 ब्लड बढ़ाता है. ये ब्लड का पॉइंट है. ओके okay. तो कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को लगा थोड़ा कठिन है? हाउ मेनी पर्सन आर फीलिंग दैट इफ यू सी द वीडियो 3-4 टाइम्स इवन आफ्टर दैट यू विल फील द डिफिकल्टी. अब बात ये आती है, कहा कि यार हम तो निडल नहीं लगा सकते. कोई बात नहीं है, आप वहां पर गुआसा कर देना, कपिंग कर देना. यू कैन डू द कपिंग और गुआसा इन द बैक एंड स्टिमुलेट द पॉइंट्स. आपने कहा कि अगर पोजिशन गलत होगी तो क्या होगा? नो प्रॉब्लम, थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा कर देना तो रियल पॉइंट भी आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएंगे तो कोई बात नहीं है. यू शुड नॉट मिस द रियल पॉइंट, बट इफ यू आर टेकिंग फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट देयर इज नो प्रॉब्लम. तो ये वीडियो है, स्कल वाला पॉइंट है UV10. अगर आप इसको स्किप करना चाहें कोई बात नहीं है, यू कैन स्किप दिस पॉइंट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू पुट द पॉइंट हियर. क्योंकि मैं भी इस पॉइंट को कभी कभी नहीं लगाता पेशेंट्स को,
तब भी रिजल्ट मिलते हैं. द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल द थ्री पॉइंट ऑफ द फीट, किडनी थ्री, किडनी सिक्स एंड लिवर एट. सबसे महत्वपूर्ण हमारे तीन पॉइंट है, किडनी थ्री, किडनी सिक्स, लिवर एट एंड वन पॉइंट ऑफ द एब्डोमिन CV4. ये चार पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे बैक सू पॉइंट्स, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट. इवन यू कैन पुट, अब आपको प्रोटोकॉल पता चल गया, यू कैन पुट इन द सुजो. सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल, जो भी लोग वृद्ध अवस्था में दुबले पतले हो जाते हैं, अब ये बताइए कि, सोचकर बताइए कि अगर आपके शरीर का नरिशमेंट कम हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. What problem you might get if there is a poor nourishment in your body, poor fluid, poor nourishment, poor blood? क्या क्या हो सकता है? कमजोरी आएगी, आंखों के आंसू सूख जाएंगे, tear will not form. There is a dryness in the mouth, dryness in all the openings. हमारे शरीर की जितनी भी opening है उन सब में dryness हो जाएगी. There will be dryness in the all openings. So this protocol, ये protocol वैसा है कि जैसे हम mechanic की दुकान पर अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई oiling कर दो. So this protocol something like we are doing oiling of the body, oiling of the joints. अब किसी के joint का fluid कम हो गया, हम इस protocol से, so we will improve the kidney yin and the liver yin and we can do the oiling. हम सारे शरीर की oiling कर सकते हैं. ये video आप देखिए, मैं भी post कर देता हूँ और कई बार देखकर एक दो लोगों पर प्रैक्टिस कर डालिए और फिर इसको जब भी जरूरत पड़े लगाइए. कहीं भी लगे कि ये व्यक्ति दुबला पतला होता जा रहा है, कमजोर हो रहा है, इसके बॉडी का नरिशमेंट कम हो रहा है, आप ये पॉइंट लगाकर उसके शरीर को लुब्रिकेट कर दीजिए. यू कैन डू द लुब्रिकेशन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट प्रोटोकॉल, राइट. तो चलिए, आपने इतने धैर्य और पेशेंस के साथ सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप अच्छा ज्योति जी, यस प्लीज. हाँ जी, गुड इवनिंग सर. सर आई वांटेड टू आस्क, आप एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही. वन मिनट कुछ. हाँ बोलिए ज्योति. सर ओल्ड एज में हाथ पैर वीक हो जाते हैं, बट एब्डोमिनल एरिया द बेली इज लाइक मोटा. हाँ, वो हाथ पैर वीक हो, उसके लिए प्रोटोकॉल है जो हमने समझाया, क्योंकि हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, बेली मोटी हो जाती है, कोई बात नहीं है, आपको वही प्रोटोकॉल लगाना होगा. क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, हमने समझा कि हड्डियों की ताकत बढ़ाओ, फिर ज्वाइंट की ताकत बढ़ाओ, फिर लंग फाइव से आप हड्डियों को और नरिशमेंट दे दो, और फिर LI4 से दर्द खत्म कर दो, तो पेट का मोटापा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, तो उनको भी ये पॉइंट्स दे सकते, उनको पॉइंट दीजिए, है ना, जरूर दीजिए. और आप पॉइंट देने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिले. क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना प्रोटोकॉल शेयर करता है तो बाकी लोगों को उससे एक वो मिलता है, नरिशमेंट मिलता है ब्रेन को, कि हाँ वी कैन ऑल्सो डू दैट. ओके sir, and I want to thank you for yesterday giving those important points for my daughter. Yeah. She is much better, sir. Yeah. थोड़ा सा है अभी भी, but she is much much better. Yes, she will be better soon. Do not worry. Thank you so much. Thank you. Yeah, Rati ji, yes please. Sir, in case of arthritis also, we can use this? It's a wonderful protocol for the osteoarthritis. Just remember one thing. In the case of cold body, do not use this protocol. Just, this is the condition. Why? When the person is having cold body, when the person having lots of swelling, right? Swelling. Then we have to increase the heat, right? What we have to do? We have to increase the heat. But in this condition, what we are doing, we are increasing the yin, we are increasing the fluid, we are cooling the body, we are nourishing the body. जैसे हम खेत में पानी डालते हैं, तो पानी डालते हैं तो क्या होता है कि खेत को नरिशमेंट मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए खेत थोड़ा सा ठंडा भी होता है. आप वो भी बात सोचिए,
तो ये प्रोटोकॉल केवल हम इसी कंडीशन में नहीं लगाएंगे कि अगर सूजन है और ठंडा शरीर है. आई वॉन्ट टू टेल यू वी आर यूजिंग दिस पॉइंट फॉर द यिन डेफिशिएंसी नॉट फॉर द यांग डेफिशिएंसी. आई वॉन्ट टू टेल यू दिस. और यांग डेफिशिएंसी मीन्स हीट डेफिशिएंसी, राइट? सर, आई हैव दिस लेडी जिनको मैंने आपको बताया था कि उनका आर्म नहीं खुल रहा है एंड वी हैड वेरी पुअर कैच विटामिन डी एंड सो वी यूज द पैराथायरॉइड प्रोटोकॉल. उनका यहाँ से ऐसे से यहाँ तक खुल गया है सर, वो पूरा नहीं खुल रहा है. सो कैन आई गिव हर दिस ट्रीटमेंट बिकॉज शी डज हैव द यिन डेफिशिएंसी बॉडी. अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो पहले आपको ह्यूमिडिटी को हटाना पड़ेगा बिकॉज ह्यूमिडिटी क्रिएट द ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्ट्रक्शन. डैम्पनेस ह्यूमिडिटी क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल डेफिनेटली यू कैन इंप्रूव द पावर ऑफ द आर्म, पावर ऑफ द लेग. यू कैन सप्लाई लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ टू द बोन्स. यू कैन डू दिस ट्रीटमेंट इंटरमीडिएटली. आप इस ट्रीटमेंट को इंटरमीडिएटली कर सकते हैं लेकिन बीच में हाउ डू आई रिमूव ह्यूमिडिटी सर? नहीं, कोई भी चीज, क्योंकि ह्यूमिडिटी का काम है ब्लॉक करना, लॉक लगाना, लॉक लगाना. जैसे लॉक ह्यूमिडिटी के लिए फिर हम करते हैं स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 सेडेशन. वो हमारा प्रोटोकॉल है ना, स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 सेडेशन, CB9 स्टमक 26 UV22. वो हमारा पूरा प्रोटोकॉल है, उसको सेडेट करते हैं ह्यूमिडिटी के लिए. आप हमारे उसमें थे क्या TCM एडवांस में? यही कर लो काफी है. पूछने का अर्थ है कि आपके जो इतने फ्रेंड्स है उनसे पूछ लीजिए आप कि ह्यूमिडिटी को कैसे कम करें, क्योंकि हमने काफी दिन हमने ह्यूमिडिटी पढ़ी उसमें, तो आप समझ लीजिए. बाकी आप हाथों की पैरों की ताकत इससे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? एक बार ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल कंसल्टेशन नहीं होगा किसी का भी. हम सिलेबस से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वही डिस्कस किए जाएंगे, राइट? आपका मैं पहले ये बोल देता हूँ क्योंकि मैं लास्ट जब भी मैं अनम्यूट करने की मौका देता हूँ तो कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन चालू हो जाते हैं तो बाकी लोग बोर होते हैं और फिर बाद में मुझे मैसेज करते हैं. चलिए जी बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच, योर सजेशंस आर वंडरफुल. आई वुड लाइक टू ऐड वन सजेशन. जो आप पॉइंट्स बता रहे हैं ना सर, उसमें कितना डेप्थ इंसर्शन करना है वो बताएंगे तो हम जैसे नए लोग के लिए. या सो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन. आई विल टेल यू कि अभी हमारे पास एक हमारे एक पेशेंट है, उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रीटमेंट देने के लिए ही एक्यूपंक्चर सीखा, जस्ट वाइफ को. अभी राइट नाउ ही लिव्स इन द बड़ोदरा. तो वो क्या करते हैं कि वो क्यूब से निडल इतनी एक बार डालते हैं, बस निडल जरा सी जाती है. देन वाइफ इज टेलिंग नो नो मोर निडल इंसर्शन. फिर वाइफ कर देती है कि एक बार में जितनी गई तो गई. अब इससे ऐसा नहीं, जैसे हम तो क्लिनिक में क्या करते हैं कि निडल ऐसे डाली और फिर और अंदर इंसर्ट करते हैं. उसकी वाइफ ने उसको बोल दिया एक बार में जितनी गई तो गई, अब टच नहीं करना. एंड सी इज गेटिंग वेरी गुड इंप्रूवमेंट. ओके, so what I want to tell you, even you are inserting the very little needle, even this is going to work. So do not worry, start with the little insertion, or you can now slowly we will become the confidence. Agar hame lagta nahi hum to laga sakte hain to aap fir alag alag jagah ki alag alag depth hai, lekin aap kam se kam aadha chun se start kariye. Jo hamari needle ki puri lambai hai usko aap aadha dal sakte hain. You can insert the half needle, right? और सर कितने साइज की जो निडल होगी वो अच्छी रहेगी तो यूज करने के लिए? सबसे अच्छी निडल होती है, उसे कहते हैं द निडल ऑफ बंचुन. और द जैसे कहते हैं कि एक्यूपंक्चर करने के लिए जो सबसे अच्छी निडल है वो 30 और 32 गॉज की होती है. 32 मतलब 30 से 32 गॉज की निडल, मींस द 30 and 32 गॉज. एंड उसके पैकेट पर लिखा रहता है, आई विल शो यू, लाइक यू कैन सी दिस इज द पैकेट. ये 32 गॉज नहीं है, ये 25 गॉज है. आई विल टेल यू. सो दिस नीडल इज वेरी गुड. इफ यू सी इन दिस पैकेट, आई विल शो यू. या लुक एट दिस. ओके, वन मिनट, दिस द मिरर इमेज.
हाँ लुक एट दिस, अगर आप यहां देखेंगे क्या लिखा है, 0.25 into 25, इसका मतलब है ये जो निडल है वो 1 चून की है। अब इसके लास्ट में जो 25 mm लिखा है, अगर इसकी जगह हमने 13 mm लिख दिया 1/3, तो वो आधा चून की हो गई। और इस 25 की जगह हमने अगर 40 लिख दिया तो और बड़ी निडल हो गई। तो आपके लिए 25 की निडल काफी है, 25 mm की निडल काफी है। इसका जो आगे लिखा ये गॉज है 0.25, तो सबसे अच्छी निडल होती है 30 गॉज की, 30 गॉज की निडल पतली होती है, क्योंकि गॉज का नंबर जितना बढ़ता है उतनी निडल पतली हो जाती है। लाइक 25 गॉज मीन्स पतली निडल, थिन निडल, 28 इज मोर थिन, देन निडल बिकमिंग थिनर एंड थिनर विद द गॉज इंक्रीजिंग। So 30 and 32 gauge is very comfortable, but in the case you are not getting that, even this is good. This is good. You can use it. Yeah, yeah, definitely you can use sujog needle. आप सुजोग नीडल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इवन हम भी लगाते हैं। हमें कई बार पेशेंट लगता है कि यार ये तो बड़ा सेंसिटिव पेशेंट है, ये बड़ी नीडल लगाएंगे तो डर जाएगा, तो हम उसे सुजोग नीडल लगा देते हैं। वी आर इंसर्टिंग द सुजोग नीडल विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके जी नेहा जी, यस प्लीज नेहा जी। सर आपने वो जीबी 41 बेल्ट मेरिडियन के लिए बोला ना, गोल्डवाटर 41, तो हम मेंस्ट्रुएशन के लिए वो गोल्ड बेल्ट मेरिडियन पे वर्क करते हैं। एक्सीलेंट, या या यस यस, जीबी 41 खाली लगाएंगे, इनफ इनफ। इफ यू पुट द जीबी 41 ड्यूरिंग द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, if you put rightly, even the single point is enough. Single point काफी है, इतना अच्छा बिंदु है कि GB 41 अगर आप ढंग से लगाते हो तो polycystic ovary को भी ठीक कर देता है। It's a single point but very effective point. This is a single point for migraine headache. This is a single point for painful menstruation. आप इसे ठीक कर सकते हो बड़े आराम से। Thank you sir. जी वेलकम। Yes प्रवीणा जी, yes please प्रवीणा जी। आपको अनम्यूट करिए प्रवीणा जी, हाँ अनम्यूट करिए, एक बार फिर से करिए अनम्यूट। हाँ हो गया। नमस्ते सर। जी नमस्ते। नमस्ते दगर। I am finding the class is very interesting, very happy. So this, you said no, these points you don't apply for people you having swelling. For उनके लिए क्या करना है? Yeah yeah. So why I am telling this? Just to, I will give you an example. This is for because of this yin deficiency है. तो इन के लिए हम ये कर रहे हैं, but people who are having swelling in the ankle, feet and this thing, knee and all, उनके लिए then what? Yeah, I will tell you the difference. So listen, suppose the person is having yang deficiency. What is the yang? Yang means circulation. Okay, like we are boiling the water. Water is boiling, so that is yang, boiling water. Okay, that is yang. So in the human body, we are having good heat. That's why, because of the heat, body is warm. If we are not having heat, then body will become cold. Okay, so yang means heat and yang means circulation, right? So if the person is having good yang, then there will be continuous circulation. And no swelling. If the circulation is there, then why the swelling will be there? The meaning of circulation is very simple. What is the meaning of if the circulation is stuck, if there is no circulation, then only water will retain and create the swelling, right? So this is the number one thing. So if some person is coming to you and telling, can you treat my swelling? Yes. What? We will improve the circulation, we will improve the yang, we will improve the heat. So for that, we will ignite the heat. So we will use many points who are increasing the heat, like the governing vessel 4, like the C6, like the UB23, like the kidney 7, like we have discussed. Even we can use all the points which we discussed in the kidney essence, right? Because these ones will increase the heat, increase the yang, increase the circulation.
Now suppose there is another patient who is telling doctor, I am becoming very thin. Now I am feeling lots of heat in my eyes, heat in my chest, heat in my palm, heat in my feet. My throat is, I am feeling too much thirst. My urine is dark. I am feeling burning in my body. So the person is already having heat. Excess heat. Then we cannot increase the yang. In that condition, we will increase the coolness. We will increase the yin. We will improve the yin. So when the person is becoming thin, that is called yin deficiency. Yin. Yin means weight. Yin means material. But yin deficiency means material is decreasing. Yin is deficient. So improve the yin. So improve the cooling effect. Okay, so both are different conditions. That's why I told these points which we have discussed for improving the yin, improving the coolness. Right? Got it? Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Yes, Angad Rawji. सर नमस्ते सर मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ हाँ बोलिए सर बीच में आपने हाइट का जो पॉइंट बताया था हाँ किडनी से किडनी से साला हाँ इसमें मैंने कई लोगों को ट्रीटमेंट दिया जिसमें दो बालों को ट्रीटमेंट दो बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जिसमें 1 mm पर डे हाइट बढ़ी है क्या बात है वंडरफुल 1 mm पर डे एक्सीलेंट और इसके बाद दो बंदों को 7 साल पुरानी स्लिप डिस्क थी हाँ हाँ तो मैंने ये नीडल लगाए प्लस मैग्नेट लगाया और बैक में कपिंग किया था ओके बल्ली 7 दिन में उनकी कम स्लिप डिस्क 7 साल पुरानी ठीक हो गई उस उनको भी किडनी सेंस के पॉइंट दिया आपने सेम पॉइंट ही किडनी सेंस के पॉइंट सो द किडनी सेंस पॉइंट्स आर वेरी वंडरफुल थैंक यू सो मच अंगद राव जी दिस मैसेज इंस्पायरिंग फॉर ऑल ये मैसेज सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है ना कि kidney essence points are really very good for the slip disc, for the bone problem, and especially for height, right? And not only this, it is very good for memory. अगर आप चीजों को रख के भूल जाते हैं, तो kidney essence बढ़ाइए. अगर लोगों के नाम भूल जाते हैं, कि क्या नाम था, तो kidney essence बढ़ाइए. Yeah. Thank you so much. और सर एक लेडीज थी, जिसमें थायराइड के patient का treatment था. हाँ. तो आपने हाइपरथायराइड का जो ट्रीटमेंट बताया था उसको दिया था और पीछे बैक में मोक्षा किया था ओके, तो 15 दिन मैंने मोक्षा किया लगभग उनकी बहुत मोटी थी वजन उनका 80 किलो था अब 60 किलो हो गया इतना इफेक्ट आया है और उनकी थायराइड की गोलियां बंद हो गई 100 mg गोलियां खा रही है बहुत अच्छा वेरी गुड अंगद राव जी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया एक बार ध्यान रखिएगा जब भी हम थायराइड के पेशेंट को ठीक करते हैं ट्रीट करते हैं तो हमें मोक्षा खूब करना होता है वी हैव टू डू द मोक्सिवेशन वेरी नाइसली If we want to treat the hypothyroidism, because hypo means poor functioning and the weakness of the yang. So in the yang deficiency, we have to increase the yang. Actually, we have discussed the hypothyroidism in the previous 6-month course in the hypothyroidism. Okay, so all of many person, 80% of you are already knowing that protocol. आप 80% लोगों तो उसमें भी थे, उनको पता है. वो हमारा हाइपोथायरायडिज्म का बहुत ही बेहतरीन प्रोटोकॉल है लेकिन उसके साथ आवाज आपको मोक्षा अच्छा करना होता है तो हाइपोथायरायडिज्म भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है थैंक यू अंगद सर एक और मास्टर टोन का पॉइंट हमने आपसे सीखे थे हाँ इसमें 3 emperor और 3 wave और 4 floor मैंने एक साथ यूज किया था एक लेडीज को पूरे पैर में 3 emperor 4 floor 3 wave मतलब स्टमक मीडियन पे स्प्लीन मीडियन और गैल्वेनल मीडियन हाँ तो इससे क्या हुआ कि उसके ना कम से कम डॉक्टर ने वेरिकोस वेन्स में ऑपरेशन कह दिया था हाँ वो मात्र 7 therapy में बिल्कुल वेरिकोस वेन्स की मोटी-मोटी अंगूठे बराबर मोटी नसें बिल्कुल नॉर्मल हो गई ओके okay. और उसमें एक स्पेशल चीज क्या था UB40 पे मैंने ब्लड लेट कर दिया ओके ओके UB40 पर ब्लड लेट किया आपने और उसमें आपने लोअर 3 emperor दिए 4 flowers दिए और क्या दिया Three waves दिया चलिए वंडरफुल बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मास्टर टोन जिन्होंने किया उनको समझ में आएगा कोई बात नहीं आप TCM करते रहिए है ना TCM में भी जबरदस्त रिजल्ट है वेरिकोज वेन्स को ठीक करने के लिए हम करते हैं स्प्लीन को ताकत देते हैं वी इंप्रूव द स्प्लीन ची
if we want to improve the varicose veins. So even we can treat the varicose veins if we improve the spleen chi. Okay. Thank sir, you. Sir, इसके साथ इसके साथ एक और चीज मिला इसमें. इस लेडीज को पीसीओडी थी जबरदस्त और फाइब्रॉइड थी और 7 दिन के अंदर में इनका भी ये बिल्कुल क्लीन हो गया. अल्ट्रासाउंड करने में बिल्कुल नील आया उनका. एक्चुअली यू आर द मैजिक मैन. थैंक यू. ये सब आप ये सब श्रेय आपको जाता है सर. नहीं वो आप आपकी आशीर्वाद है सर. बहुत अच्छा अंगद, यू आर डूइंग वेरी गुड. कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नीता जी, अंगद जी, ये लोग बहुत एक्टिव प्रैक्टिशनर्स हैं. आप लोग भी अच्छा करें. कई लोगों ने अभी तक क्लिनिक चालू नहीं किया है ना, वो भी एकदम तैयार हैं, योद्धा बन गए, बन चुके हैं. जस्ट दे हैव टू लॉन्च देमसेल्फ, है ना. यस डॉक्टर सुनील जी, यस प्लीज. कि जीबी 41 जो आपने बताया पॉइंट, वो इंटरकोस्टल एरिया में लैटरल साइड में पेन जो है उसमें भी काम करेगा? हाँ जी करेगा. अगर किसी को ये पसलियों में दर्द है, आप यहाँ की बात कर रहे हैं ना, यहाँ की? हाँ जी. अगर किसी को यहाँ पसलियों में दर्द है तो इसके लिए लिवर की स्टैग्नेशन का केस है सर. हाँ, लिवर की स्टैग्नेशन का केस है. केवल 2 पॉइंट से ठीक हो जाता है. गॉलब्लैडर 34 ऑन द सेम साइड और ट्रिपल वर्मर 3 ऑन द अपोजिट साइड, केवल 2 पॉइंट से ठीक हो जाता है. लेकिन आप गॉलब्लैडर 40 भी ऐड कर सकते हो. गॉलब्लैडर 41 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर पेन हैपनिंग एनीवेयर ऑन द कोस्टल रीजन. ओके, लेकिन गॉलब्लैडर 34 भी लगाना होगा, गॉलब्लैडर 41 भी लगाना होगा और अपोजिट साइड में ट्रिपल वर्मर 3 लगाना होगा आपको. अगर आपने ट्रिपल वर्मर 3 नहीं लगाया तो भी फायदा मिलेगा, लेकिन ट्रिपल वर्मर 3 लगाते ही फायदा डबल हो जाएगा, है ना. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. प्रेग्नेंट लेडी को हम गॉलब्लैडर 41 नहीं लगा सकते, नहीं लगा, है ना जी. थैंक यू सुरेश जी. थैंक यू जी. शोभा जी बताइए. शोभा जी, ब्यूटी थेरेपी, ब्यूटी ब्यूटी क्वीन. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड सर. फ्रॉम मॉर्निंग दिस दिस पोर्शन ऑफ माय हैंड इट इज लाइक पैल्पिटेशन, ऐसा 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 हो रहा है. अच्छा, कौन से हाथ में? द राइट हैंड, दिस मच पोर्शन पैल्पिटेशन हो रहा है. कोई बात नहीं है, लिवर बिंड का इलाज करिए. लिवर बिंड, ओके. यू आर हैविंग द लिवर ब्लड डेफिशिएंसी. जितने भी ब्यूटी थेरेपिस्ट होते हैं, ब्यूटी ब्यूटी किंग्स होते हैं, ब्यूटी क्वींस होती हैं, उनके अंदर लिवर ब्लड की कमी हो जाती है. लिवर बिंड को निकालिए और लिवर ब्लड को बढ़ाइए. जब लिवर बिंड बढ़ती है तो हाथ में फड़कन होती है, चेहरे पर फड़कन होती है, चेहरे पर नमनेस आती है, आंखों में ट्विचिंग होती है. सो यू आर सफरिंग विद द लिवर ब्लड डेफिशिएंसी बिकॉज आई नो दैट यू आर वेरी गुड ब्यूटी, यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ ब्यूटी वर्क एंड ऑल्सो यू आर वेन यू डू योर वर्क तो ये सब हो जाता है. लिवर ब्लड डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन विद द फीमेल, तो हाथों में फड़कन होती है, वही ट्रीट करिए आप. Sir, my son since evening he is having headache, stomach pain and little vomiting sensation. Okay, no problem. Do the treatment of the stomach heat. Simple okay. Diagnosis आपने बोल दी. पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, vomiting है और stomach pain है, तो this is the case of stomach heat. जीभ देखेंगे, जीभ पीली मिलेगी और जीभ के central में crack भी हो सकता है. Stomach heat का इलाज करिए. Stomach heat का, stomach 21, 44, 45, CB12. वो सब हमारा पॉइंट है, वो लगा दीजिए आप. ओके, अभी 2-4 दिन पहले हमने जो पढ़े थे ना पॉइंट्स, वो भी लगा सकते हैं. वो भी लगा सकते हैं जी. ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट. यस, थैंक यू सो मच. यस बेगम जी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस प्लीज सर. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग आवर नॉलेज विद योर गुड टीचिंग एंड रेपिटेशन ऑफ टीचिंग व्हिच इज वेरी मच एडवाइजेबल सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. So one doubt I have, see, I am treating a girl of 18 years. She is very thin and of short height. I put her kidney essence first on the sujok and then on learning from you, I put it on her body. Okay. She has increased 1.5 inch. She has increased. In but how many days? In about a week. In a week? She is very puny. She is very puny. Yeah. And her nutrition is also not good. Yeah. So slowly she increased her height and about 1.5 inch from 54 to 55.5 she has come.
Okay. But she wants to have more height. Oh, you keep on doing, no problem. आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं आप बढ़ा दीजिए. Sir, after one month of treatment also, she is of the same height only. Anything okay, else मतलब, I have to do? यानी आपने खूब सारा ट्रीटमेंट दिया तब भी हाइट उतनी है और आगे नहीं बढ़ रही है, उतना है सर. कितनी है सर? हीट इज मतलब एक लेवल तक बढ़ गई है फिर रुक गई है ना? सही सर. सो व्हाट यू हैव टू डू, सी यू आर गिविंग गुड नरिशमेंट टू द बोन्स. नाउ बोन बढ़ने के लिए तैयार है, अब उसको बोलिए थोड़ा सा वो खेले, क्या बोलते हैं उसको, बॉल डालते हैं. Baseball is also very good because see, skipping, swimming and baseball is very good. If you want to increase the height, तो आप bone को nourishment दीजिए, लेकिन उसे कुछ खेलने के लिए भी बोलिए. और ऐसा है तो थोड़ा सा gap करके फिर से treatment start करिए. Do the little gap and restart the treatment, then there is again possibility. लेकिन height तो बढ़ती है, बढ़ेगी. आप I gave her gap because continuously I gave a treatment daily. The gap is required. Yeah, after weekly once I gave. Yeah, that's good. आपने gap करके अच्छा किया. देखिए body में ऐसा तो नहीं कि उसका nourishment level ठीक है कि नहीं, वो भी check करिए एक बार. कहीं refined तेल वेल तो नहीं खाते हैं, वो भी check करिए. कहीं ज्यादा polished खाना तो नहीं खाते हैं, वो भी check करिए. थोड़ा सा diet पर भी देख लीजिए, है ना? Yeah, I have told her to take some dry fruits also. Yeah, that's good. Dry fruits. Yes, sir. दूसरे पे अपने आप तो मैं लगाती रहती हूँ. हाँ. लेकिन तो मैंने K3 K6 और SP5 लगाया, जबकि मैं मुझे लगाना था liver 4. अच्छा, ओके ओके. हाँ. लेकिन SP5 लग गया. हाँ. और K3, K6, K7 and SP6. हाँ हाँ. सब पे मैंने मतलब ओनली स्टिमुलेशन किया नीडलिंग से. हुँ. और उसको रात में अच्छे से नींद आई और उसका पेन एकदम खत्म हो गया. एंड शी वाज टेलिंग इन द मॉर्निंग शी वाज फीलिंग टू मच हील पेन, बट टुडे इट वाज नॉट देयर. एक्सीलेंट. So it was really good and I am happy because I did it for the first time only. So that motivated me. Kidney 3. Kidney 6, kidney 7, and SP liver 4. जो लगाया वही बताइए. SP5, SP6. Yeah, बस इतने ही लगाए दोनों पैरों में. बहुत अच्छा, आपने कमाल कर दिया. Very good. Thank you, sir. Kidney 6 को हम क्या बोलते हैं? The name of kidney 6. Kidney 6 is the master point of yin heel vessel. उसका नाम ही है the master point of yin heel vessel. Kidney 6. तो किडनी 6 तो काम करेगी. और अभी अभी हमने समझा किडनी 3 एंड किडनी 6 आर गुड फॉर ऑल द बोन्स. किडनी 7 इंप्रूविंग द सर्कुलेशन. और ध्यान हो किडनी 7 के बारे में हमने बताया था. किडनी 7 जैसे पुराने घरों की हम मरम्मत करने के लिए सीमेंट का प्रयोग करते हैं, ऐसे किडनी 7 इज द सीमेंट फॉर अवर बॉडी. SP6 मैंने ब्लॉकेज हटाने के लिए लगाया. SP6 आपने बहुत अच्छा किया, ब्लॉकेज हटा दिया, ह्यूमिडिटी हटा दिया. हाँ. स्प्लीन को टोनिफाई कर दिया. और स्प्लीन 5 लगा के भी आपने जो और भी थोड़ा बहुत कचरा बचरा होगा वो भी निकाल के फेंक दिया. अभी मुझे लिवर 4 भी ऐड करना चाहिए या SP5 इज एनफ? वो आपसे जो हो गया वो भगवान की इच्छा होगी इसलिए हो गया. अब द मेन थिंग पेशेंट इज गेटिंग द बेनिफिट. यस यस, शी गॉट. सो सर, व्हाट आई वांट टू ऐड, जब आप स्प्लीन 5 पर भी पॉइंट लगाते हो, सो द स्प्लीन 5 एंड लिवर 4 आर वेरी नियर, सो दे आर आल्सो एक्सचेंजिंग एनर्जी लिटिल. But I wanted to ask that you told us that for 1 week or 10 days alternatively we have to do. Yeah, yeah. After then twice a week and later on we can reduce it once in a week like that. Yes, yes, right. You're right. Till or इसको एक बार ठीक होने के बाद फिर दोबारा जरूरत नहीं लगाने की? नहीं, उसको क्या होता है कि कभी कभी एक बार ठीक हो जाएगा फिर उसको आप बोल दीजिए कि एक बार 15 दिन में ट्रीटमेंट ले ले कुछ समय तक, ऐसे 7-8 दिन और दे दीजिए, फिर जरूरत नहीं है. जब तक अगर वापस कभी लगता है तो फिर से दे सकते हैं, तब तक जरूरत नहीं है. सर, आई एम हैप्पी. वेरी गुड. वी आर हैप्पी. आपका पहला ट्रीटमेंट जिंदगी का सबसे सफल हो गया, इससे बड़ी और क्या खुशी की बात होगी. आप पास में होते तो आपसे मिठाई मंगवा के खाते.
सर आप इसे सिखाया है? आपने ही सिखाया है नीडलिंग, तो बिंदास करो, अदरवाइज आई वाज स्केर्ड ऑफ नीडलिंग फॉर अदर्स. Yeah, very good. Thank you so much for sharing. एक दिन मैंने उसी फ्रेंड को मास्टर टूम के पॉइंट लगाए थे, यहाँ पर जो ट्रायंगल बनता है ना चिक्स पे, और उसका 10 मिनट्स में उसकी एसिडिटी खत्म हो गई. एंड शी केम हेयर कि भाई इतनी रेस्टलेसनेस हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, आई एम नॉट एबल टू सिट, आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, और बड़ी दिक्कत हो रही है. एंड शी हैड एवरीथिंग, मीन्स जो काढ़ा अजवाइन सब लिया उसने, बट शी वॉज नॉट एबल टू. एंड विद दोज दैट ट्रायंगल within 10 minutes she relaxed. Very good, you are blessed with the healing hands. Very good, thank you sir, that is with your blessings only. Excellent. Yes Meeta ji, yes please. Yes sir, thank you Meeta ji. Sir mere paas na ek patient hai jisko matlab polio bhi hai. हाँ. और साथ में उसकी बैक एक रहती है क्योंकि सर वो एक टांग छोटी की वजह से स्टिक से चलती है. तो सर एक साइड बैक राइट साइड में ना उसकी कमर में मतलब मिडल में वो उठ गई है कमर, तो उसमें उनकी पेन आ जाती है. सर मैं काफी दिनों से कर रही थी, 5-6 सिटिंग्स में कर चुकी हूँ, लेकिन दो सिटिंग आपने क्या दिया उसको, क्या ट्रीटमेंट दिया आपने? सर मैं दो सिटिंग से उसको सर्वाइकल तो पूरी चली गई. सर्वाइकल आप उसको किडनी एसेंस के पॉइंट दीजिए. ओके, किडनी एसेंस से उसको बहुत फायदा मिलेगा. ठीक है सर, है ना, किडनी एसेंस इज द वेरी गुड फॉर हिम. बस इतना सर, मैंने गुआसा किया उनको बैक में नीडलिंग की. हां, बैक शू पॉइंट्स पे फर्क तो पड़ा है लेकिन उतना नहीं पड़ा. सर फर्क पड़ा होगा, लेकिन आप बीच में किडनी एसेंस भी दीजिए तो नरिशमेंट होगा और बोन्स को ताकत भी मिलेगी और अच्छा, है ना. थैंक यू सो मच एवरीवन. चलिए अब हम मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, गुड नाइट.